चलिए यहीं से शुरू करते। अब क्या हुआ कि ये चलते गए चलते गए। अब उसके बाद इनको एक पांच मतलब बैठ गए, वो एक पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान करने लगे। हो सकता है वो सन्यासी की तरह अगर वो ध्यान करे तो उनको कुछ एनलाइटमेंट मिले। तो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो पांच साधु वहां से निकल रहे थे, उनको लगा ये तो कोई पहुंचा हुआ सन्यासी है, तो चलो हम इनकी सेवा करते हैं, हमें भी कुछ एनलाइटमेंट मिल जाए, हमें भी कुछ पावर मिल जाए। तो आप देखोगे ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें पांच जो साधु है वो बैठे हुए इनके सामने, ठीक है। तो ये इनके फर्स्ट डिसाइपल्स थे भगवान बुद्ध के। तो बैठे कुछ नहीं कर होता गया, मतलब चल रहा था, बहुत साल हो गए, कुछ महीनों हो गए, सालों हो गए उनको इस तरह से बैठे हुए देखते। अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत टाइम हो गया। आप ये ऊपर एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पूरी नहीं है, मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ छोटा करके। जब वो बैठे थे तो धीरे धीरे, अब क्या ना खाना ना पीना, एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे, तो उनकी बॉडी में सिर्फ अस्थि पंजर ही रह गए, कहते हैं ना अपन, बिल्कुल सिर्फ अस्थियां ही दिख रही हैं, उनकी बोन स्ट्रक्चर ही दिख रहा था और स्किन सिर्फ एक तरह से बोन्स के ऊपर चढ़ी हुई दिख रही थी। वहां से एक लड़की निकली जो खीर और पानी लेके जा रही थी। तो उसने देखा, अरे ये तो साधु एकदम ऐसे हो रहे हैं, क्या है, तबीयत ठीक नहीं है, क्या है, इनको कुछ खाने को नहीं मिला। तो उन्होंने उनको जगाया, ठीक है। उस टाइम पर उनका नाम सिद्धार्थ था, वो बुद्धा नहीं बने थे, ठीक है। तो उनको उठाया और उनको पानी दिया पीने को। भगवान बुद्ध को बड़ा अच्छा लगा, वो पानी पी के सिद्धार्थ को बड़ा अच्छा, अंदर से अच्छी फीलिंग आई। फिर उसने उनको खीर दी खाने को, उन्होंने वो खाई तो उनको और अच्छा लगा। तो वहां पर उनको एक कहना चाहिए कि एक नॉलेज का एक पार्ट मिला या एक पॉइंट मिला कि ये जो शरीर है, अगर हम इस जीवन में हैं तो हमें इस शरीर के अंदर जब तक हमको रहना है इस शरीर को चलाना है, ठीक है। नहीं तो जब तक हमारी सोल इसके अंदर है तो ऑब्वियसली ये शरीर जो है इसको चलना चाहिए ना, किसी पर्पस से आया है ना वो इस शरीर में, हम जो आए हैं वो किसी पर्पस से आए, तो उस पर्पस को अटेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम किसी ना किसी वजह से इस दुनिया में आए। फर्स्ट लेसन ये था, ओके। तो उन्होंने वो खाया, वो गए नहाए धोए, अच्छे फ्रेश कपड़े पहने, वो सब करा। अब उन्होंने एक चीज सोच ली कि इस शरीर को चलाने के लिए इसको खाना देना जरूरी है, खाना या कुछ भी जो भी है देना जरूरी है। तो जो सेंटेंस है भिक्षाम देही, ये वहां से उत्पन्न। उन्होंने एक कटोरा लिया नारियल का और फिर वो जाते थे गांव में, कोई भी एक घर से भिक्षा मांगते थे, वो जो भी देते बस वो खाते थे, नो मल्टीपल थिंग्स, कुछ भी मिले, कच्चा पक्का जो भी मिलेगा, बस वो एक घर से लेते थे और वो खाते थे। अब ये सब स्टोरीज जब चल रही थी, ये सब डायनेमिक्स चल रहे थे, तो वो जो पांच डिसाइपल्स थे ना, उनके जो सन्यासी उनका फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कहा यार ये तो हम पता नहीं किसके पीछे लग गए, हमें तो लगा था ये तो बहुत उच्च महान पुरुष है, ये तो दुनियादारी में आ गया फिर से, तो वो छोड़ के चले गए। अब ठीक है, लेकिन इनका पर्पस कुछ और था, तो ही अगेन वेंट और डीपर जंगल में चले गए। वहां जाके इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठ गए, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब फुल मून का दिन था, ओके। टॉरस प्लैनेटरी पोजीशंस थी, टॉरस का मतलब क्या होता है, वृषभ। बुध पूर्णिमा कब आती है, मार्च और एंड के आसपास आती है, अप्रैल के आसपास आती है, मई जून मतलब उस टाइप पे आती है ना जब वृषभ लग्न चल रहा होता है, ऐसे ही मानते हैं ना हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल। ये एस्ट्रोलॉजर्स को तो स्पेशली पता है कि वो किस महीने को हम डोनेट करते हैं, उसे डिनोट करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो वहां पर फुल मून वाले दिन टॉरस लग्न में रात के 12 बजे उनको अचानक से एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ पीपल की ट्री के नीचे, दैट इज द, उसके बाद उसका नाम पड़ा बोधि वृक्ष, ओके। एनलाइटमेंट क्या था, डिवाइन एनर्जीज, एक व्हाइट कलर की लाइट उनके क्राउन चक्र में एंटर हुई, वहां से उनको एनलाइटमेंट हुई। अब जब वो जो लाइट थी वो उनके सारे चक्रास में से जाके नीचे पेड़ की जड़ में चली गई, ओके। इसलिए पीपल के पेड़ को सेक्रेट पेड़ कहा जाता है,
पूजनीय होता है, क्योंकि उस पेड़ की जड़ों में डिवाइन एनर्जीज है, और इसीलिए पीपल का जो पेड़ होता है वो 24/7, या गलत बोल रही, 24 आवर्स ऑक्सीजन इमिट करता है। एक वही एकमात्र ऐसा पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, चाहे रात हो चाहे दिन। ओके, सो नाउ यू गॉट द कनेक्शन। ठीक है, अब यहां से जो हम बोधी माला ये पहनते हैं, ये पीपल के ब्रांचेस या उनकी उसकी जड़ों से ही बने हुई माला है ये, इसके मोती। ओके, तो इसका भी इसलिए एक इम्पोर्टेंस होता है, फेक और रियल वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट दिस इज द मेन थिंग व्हाई वी वेयर दिस बोधी माला। ओके, नाउ यहां तक तो सबको समझ आ गया। अब यहां से इनका नाम जो है वो बुद्धा पड़ गया। बुद्धा कौन है? द वन हु इज एनलाइटेंड। मैं और आप भी बुद्धा हैं, हम में भी कुछ इंटेलेक्ट्स हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं। ओके, हर इंसान, हर जो भी है जो अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर जाता है, या जो भी भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को फॉलो करता है, वो सब बुद्धा है। ओके, और उन बुद्धास को जो फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, उनको हम कहते हैं लामास। क्लियर है लामास कौन होते हैं और बुद्धा कौन है? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको ये बेसिकली 30, अच्छा सॉरी ये मैं बताना भूल गई, वो जो पीपल के पेड़ के नीचे जब वो बैठे थे, वो 49 डेज के लिए बैठे थे, और 49th डे उनको ये एनलाइटमेंट हुई थी, और ये हुई थी 35 की एज के थे वो जिस वक्त। ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैम, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें? रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ क्लास 1 महीने बाद, जब ये पूरा इसका हो जाएगा ना फर्स्ट लेवल, उसके बाद। अभी आप इसलिए फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। ओके, क्योंकि एक बार नोट्स आ जाते हैं ना, तो फिर वो नोट्स में ध्यान पड़ा होता है, इसलिए आई डोंट गिव नोट्स प्रायरली। ठीक है, चलिए अब आते हैं बुद्धा की फिलोसफी पर। बुद्धा की फिलोसफी में सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है दुख। दुख क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको दुख है, आप सफर कर रहे हो, राइट? कभी कभी कुछ मेड अप थिंग्स होती है ना, कि नहीं होता है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमें दुख है, हमें प्रॉब्लम्स है। पहले उस चीज को एक्नॉलेज करो कि हाँ, हम सच में तकलीफ में हैं, हमें सच में कोई दुख है, हम सच में किसी सफरिंग से गुजर रहे हैं। फेयर इनफ, इसके बारे में इन जनरल कोई सोचता नहीं। तो सबसे पहले उस चीज को एक्नॉलेज करो कि हाँ, हमें तकलीफ है, हम दुख में हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट है कि उस सफरिंग का ओरिजिन ढूंढो, कि ये कहाँ से शुरू हुई। अगर आप सफरिंग में हो, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, उसका रीजन क्या है, तो उसका ओरिजिन ढूंढो। तो उसको हम कहते हैं समुदाय। ये एक्चुअली सारे नेपाली वर्ड्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब इसके बाद आता है कि आपने ये तो पता कर लिया कि आपको सफरिंग है और कहां से है। ठीक है, कहां से शुरू हुआ है? अब इस सफरिंग को खत्म करने की सच्चाई क्या है, किस पाथ पाथ, हम इसका सेकेंड आ जाएगा पार्ट। सबसे पहले कि इस सफरिंग का सच क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, पाथ एक अलग हो जाता है, और एक उसको मतलब आपको कोई भी तकलीफ है सपोज, ठीक है, आपने उसको एक्नॉलेज किया कि भैया ये मुझे तकलीफ है। अब इसकी सच्चाई क्या है, किस लेवल की है, किस रास्ते पर जाने पे हमको ये तकलीफ खत्म होगी, तो उसकी सच्चाई भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। ठीक है, तो द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग खत्म होगी उसके बाद क्या, ये पता होना चाहिए।
क्योंकि जब तक आपको उस चीज का बेनिफिट नहीं पता होता है तब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलते। आज मैं अगर आपको बोलूं कि आपको ये कुछ भी है, सपोज एप्पल है ना, एप्पल खाने से फायदा होगा, ओके। अब अगर आपको एप्पल खाने से फायदा होगा, सभी बोलते हैं। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एप्पल खाने से आपके जो गाल है वो भी सेब जैसे लाल लाल हो जाए, मन करेगा ना खाने का? तो द ट्रुथ टू एंड द सफरिंग, कि उसका जो रिजल्ट एंड रिजल्ट है वो आपको क्या मिल रहा है वो भी आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद द ट्रुथ ऑफ द पाथ टू एंड द सफरिंग, फिर अब किस पाथ पर आपको चलना है उस सफरिंग को एंड करने की, उसकी सच्चाई क्या है, कि सही रास्ता है तो हमें सही रास्ता ढूंढना होता है। और ये सब कुछ गाइडेंस से आ जाता है, अपने आप गाइडेंस आती है। सो दिस इज बेसिकली, उसको कहते हैं मगा, ठीक है। तो अब आपको चार ट्रुथ्स जो भगवान बुद्ध की है वो आपको पता है। पहली है दुख, फिर समुदाया, फिर निरोधा और फिर मगा। आप एक एक लाइन चाहिए तो इनके बारे में लिख लो, यही सेम लिखोगे तो अब आपको क्लिक हो जाएगा, बिकॉज द स्टोरी आई हैव टोल्ड यू कि वो कैसे स्टोरी लाइन चल रही है उसकी। सबसे पहले आप सफर कर रहे हो उसकी सच्चाई, फिर उसका ओरिजिन कहाँ है, फिर अगर ये दुख खत्म हो गया तो क्या मिलेगा सिंपल लैंग्वेज में, और फिर उस दुख को खत्म करने का सही रास्ता। ये चार सेंटेंसेस हैं। जो लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज कीजिए, बिकॉज मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, सब काली काली स्क्रीन्स मुझे पसंद नहीं है। अंटिल अनलेस कोई मजबूरी है, आप ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो देन आई कैन अंडरस्टैंड, बट अदरवाइज प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। चलिए आगे बढ़े। नाउ हमको कैसे पता चलेगा कि हम एक्चुअल में सफरिंग्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। हम पांच, हमारे पास सेंसेस हैं, जो मैंने आप लोगों को बोला जब हम नमस्ते करते हैं तो भी अपने सेंसरी ऑर्गन्स, ये जितने भी एलिमेंट्स को करना है हमें, ठीक है ना। यही एलिमेंट्स हमें पांच सेंसेस भी देते हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, टेस्ट करने की और टच की, फीलिंग्स। इन्हीं से आपको पता चलता है कि आपको तकलीफ है। अगर आपको मैं बोलूं कैंडल जल रहा है या दिया जल रहा है, उसके ऊपर आप हाथ लगाओ, आप लगाओगे नहीं लगाओगे? क्योंकि आपको पता है कि इससे आपका हाथ जलेगा, वो सफर करोगे आप, लेकिन किसी बच्चे को उसके बारे में पता ही नहीं है, वो तो आग में अपने आप हाथ दे देगा, फिर वो एक्सपीरियंस होगा तब उसको समझेगा, नहीं भाई ये तो आग है, इसमें तो हाथ ही नहीं देना चाहिए, हाथ जल जाता है, तकलीफ होती है, राइट। तो ये जो सेंसेस है ये हमें उस पॉइंट तक लेके जाती है कि हमें पता चलता है कि इस ये चीजें हमारे अंदर जब आती हैं तो सफरिंग्स के बारे में हमें समझ आती और पॉजिटिविटी भी आती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बाय साइड चलते। तो अगर आपका हाथ जला है एक बार तो आप ऑब्वियसली आप दूसरी बार उसको टच नहीं करोगे, तो पॉजिटिव आपके अंदर सेंसेस आ गए, राइट, कि इसको टच नहीं करना है, यू आर अवेयर ऑफ इट बेसिकली, है ना। गलत बात नहीं सुनना है तो अगेन यू आर अवेयर ऑफ इट नाउ, ये गलत है, तो वो समझ आने वाली बात, ठीक है। कुछ कड़वा खा लिया नहीं पसंद आ रहा है, या कुछ गलत खा लिया, हमको सबको पता है पॉइजन इज नॉट टू बी ईटन, राइट। फिर भी हम बर्गर्स खाते हैं ना, मैदा खाते हैं ना, राइट। तो वो समझ आनी जरूरी है कि व्हाट वी आर टेकिंग इन, ओके। देखना क्या चीज देखनी चाहिए क्या नहीं देखनी चाहिए, यहाँ पर तो मैं अभी मॉडर्न वे में ही बताऊंगी, वो ऑब्वियसली बुद्धा ने नहीं बताया होगा, लेकिन देखना मतलब मैं तो मोबाइल का ही बोलूंगी आप लोगों को, कि ऑब्वियसली एक लिमिट होनी चाहिए, आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए, तभी आपकी सफरिंग्स एंड होंगी।
अगर आप इस तरह से इसको रिलेट करोगे ना तो बहुत चीजें समझ आएंगी। ओके, टेस्ट जैसे बताया, टच, टच तो आप लोग सब समझते हो है ना, गुड बैड टच हम लोग बहुत ज्यादा इसको करते हैं। लेकिन किसी चीज को टच करके आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गीला है, यू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स राइट। तो इस तरह से ये फाइव सेंसेस हमारे फर्स्ट स्टेप होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको कैसे पता चलेगा एक्चुअल में आप सफर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कि आपके थॉट्स में क्या क्या जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये जो आपकी सेंसरी जो चीजें हैं, जो आपने टच करी या टेस्ट करी, स्मेल करी, ये क्या करता है, ये आपके नर्व्स के थ्रू आपके माइंड में जाता है, सारा थॉट प्रोसेस चेंज करता है। तभी तो आप यहाँ पर मेमोरी आपकी होती है ना कि भैया इसको नहीं टच करना है, इसको नहीं खाना है, इसको नहीं देखना है। तो वो सारी सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो आपके माइंड तक जाती है और वहां वो स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अब आपका एक सबकॉन्शियस लेवल आता है। यहां तो आपने कॉन्शियसली काम किया, वो आपके माइंड में गया, वहां पे वर्किंग हो गया, स्टोरिंग हो गया, सब हो गया। वहां आपका क्या, सबकॉन्शियस माइंड आपका स्टोर कर लेता है इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनकॉन्शियस माइंड, जहां पर कॉन्शियसनेस का कोई लेना देना नहीं, जो हम देख रहे हैं वो है ही नहीं, क्योंकि हमने वो चीज समझ ली। अब हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करेगी, कॉन्शियसली कोई चीज हो, जैसे गाड़ी चलाते हो, सब कॉन्शियस में बैठ गया कैसे चलानी है ना। कॉन्शियसली अगर आप रोड पे नहीं देख रहे हो या आप किसी से बात भी कर रहे हो, तो आपको पता है गियर कब चालू, मतलब उसको चेंज करना, कब ब्रेक मारना, यू नो, यू अंडरस्टैंड दिस राइट। तो वो क्या है, वो अनकॉन्शियस स्टेट है, कॉन्शियसनेस से एकदम अलग। कॉन्शियसली तो आप बात कर रहे हो, अनकॉन्शियसली आप सबकॉन्शियस के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो। गॉट इट? तो है बहुत कनेक्टेड, लेकिन थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा माइंड बॉबलिंग होता है, बट ठीक है, वो भी जरूरी है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है आपकी अलाया कॉन्शियसनेस। अलाया इज एक्सट्रीम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जहां पर आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यू आर लाइक इन अस, ऐसे रिल में हो आप जहां पर आप कॉन्शियसनेस की जरूरत है ना, सबकॉन्शियस की जरूरत है, और ना ही किसी और इन चीजों की। ठीक है, ये सब चीजें जब आप समझ जाते हो, तब आपका नेचर कैसा बनता है, दैट इज योर बुद्धा नेचर। जब आपके अंदर वो बुद्धि आ गई, वो समझ आ जाती है राइट, इन सब चीजों से परे। ओके, तो दैट इज योर बुद्धा नेचर। तो ये हर किसी में हो सकता है ना, इजी है, बस थोड़ा सा राइट। तो चलिए, ये एक तरह से आपको हिस्ट्री मैंने बताई है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो हमको मोडालिटी मिली है, लामा फेरा, सिंबल्स मिले हैं, प्रोसेस मिला है, हीलिंग का तरीका मिला है, वो हमें मिला है डॉक्टर सैनी से। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी, ये ओरिजिनेटर है लामा फेरा की। पद्धति भगवान बुद्ध ने दी है, इन्होंने हमको बहुत इजी वे में इस चीज को कन्वर्ट करके हमारे सामने रखा, ताकि हम डेली लाइफ में इसको यूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर हम भगवान बुद्ध की पद्धति को अपनाएंगे, तो वो जो लामाज हैं, हमें फिर वो श्राइन में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बहुत बहुत लेंथी प्रोसेसेस हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसमें आपको मतलब बचपन से लेकर बड़े होने तक भी वो आपके अंदर आती हैं सब चीजें। इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इट इज अ डिवाइन ऑब्वियस। बट क्या है ना, आज के जमाने में सबको शॉर्टकट्स चाहिए, जल्दी है सबको हर चीज की। प्रॉब्लम्स तो बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे चुटकी बजाओ और खत्म हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम डॉक्टर सैनी को थैंक्स करेंगे, एस के सैनी जी को, जो अब हमारे बीच में नहीं है ना, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो अब नहीं है। ये जो मोडेलिटी लामा फिर आप लोग जो सीखने जा रहे हो, ये 1998 में ही इंट्रोड्यूस हुई है, इट्स अ रीसेंट मोडेलिटी।
बट बहुत पावरफुल मोडेलिटी है। इसके हर एक सिंबल में कई हजारों मंत्रों की शक्तियां हैं, तो एक एक सिंबल बहुत इसका पावरफुल होता है। ठीक है, सो ये ओरिजिनली दिल्ली से थे। ओके, अब बताइए, यहां तक किसी को कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी मन में कोई भी विचार आ रहा है तो वी कैन आंसर दैट। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है या नहीं समझ आया तो बोले। मैम, लामा फेरा हीलिंग मोडेलिटी है, तो अगर हम किसी को हील करते हैं तो इज इट ट्रू दैट लाइक आई डोंट नो, आई हैव हर्ड दिस कि उनका, बिकॉज हम ऐसी भी चीजें होती है जो कोई कार्मिक चीजें होती है, जैसे किसी का मान लो कोई बीमारी किसी को हो गई है, तो अगर हम उसकी बीमारी को हील कर रहे हैं तो क्या वो हम उनकी कार उनका कार्मिक अकाउंट हम पर ले ले रहे हैं? एक चीज थंब रूल याद रखिए, अगर आपके पास कोई हीलिंग करवाने आ रहा है, ठीक है, तो आप चोजन हो बाय द डिवाइन। ठीक है, आपके पास अगर कोई आया है तो ऐसे ही क्यों आ जाए, ये बताओ, ऐसे ही कोई क्यों आए? आपके पास आया है तो उसको कहीं से तो गाइडेंस मिली है, राइट? जी, लेकिन मैम किसी ऐसा भी होता है ना कि हमें बहुत कुछ, हमें काफी सारी चीजें अपने कर्मों से मिलती है, तो अगर मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो ऐसा बोला जाता है कि ये दिस वॉज माई कर्मा, अगर किसी का कोई लॉस्ट हो गया फैमिली से, तो मतलब बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ आते हैं, हमारे एक एक चीजों को एक एक कर्मा को हम रिलीज करने के लिए ही आते हैं इस चीज, बिल्कुल, तो अगर वो कोई और रिलीज कर रहा है हमारे लिए या फिर वो खत्म कर रहा है तो मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कर्मास तो होते हैं लेकिन आप उस लूप से बाहर नहीं आ पाते हो। ठीक जी है, अब राम जी को सीता जी ढूंढनी थी तो वो तो खुद भी कर सकते थे ना, उनके पास वो शक्ति थी, उन्हें पता था क्या चल रहा है, फिर भी माध्यम किसको बनाया? हनुमान जी को। ओके, तो यू आर चोजन टू डू दैट थिंग, तो वो कदमा आपके ऊपर नहीं लगेगा उसका, जी नेवर, अनटिल अनलेस यू फील गिल्टी। ओके, अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो, यार मैंने तो इसका कर दिया, ये ठीक हो गया, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, यू नो आप खुद ही विक्टिमाइज होए चले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो फिर वो पकड़ लेगा आपको। ओके, जी ओके मैम, डोंट वरी, अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, अगर सामने वाला आपके पास आया है तो इट मींस उसको वो गाइडेंस आई है आपके पास आने के लिए। कोई ना कोई माध्यम बनता जरूर है किसी भी चीज के लिए, याद रखिए, ऐसे कोई चीजें नहीं होती कभी भी। इट मेक्स सेंस टू हर चीज के पीछे कोई कारण है, राइट? तो चलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मैंने कही थी, इफ यू रिमेम्बर, आए तो रिमेम्बर। देखिए, हर उससे पहले मैं भगवान बुद्ध को एक ही चीज बोलती हूँ, आपके हिसाब से जिसको ये सीखना है उसी को मेरे पास भेजना। सो यू वर सेइंग ना, यूट्यूब देखकर वो हुआ, सो इट इज नॉट एवरी, कितने हजारों लोगों ने देखा होगा, बट जिसकी कॉलिंग है, जिसको गाइडेंस मिली है, वही आएगा। जी ठीक है, तो इट इज ऑल डिवाइन। हम सिर्फ एक इंटेंशन डाल सकते हैं, हम सिर्फ एक ये बोल सकते हैं कि हम ऐसा चाह रहे हैं या ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से, बाकी एनर्जीज के आगे सरेंडर कर दो, तो दे विल मैनेज। ठीक है ना, जैसे बच्चे होते हैं वो तो जिद करेंगे ही ना, ये चाहिए वो चाहिए, वो पेरेंट्स के ऊपर है वो कैसे मैनेज करते हैं उसको, सेम वे। ठीक है, सो एनीथिंग इफ एनीवन वांट्स टू नो। हाँ बारबी जी, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, लास्ट उसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी में ही आए थे शायद, जहां तक मुझे याद है, क्या किया था आपने? मैम, तो मैं तो आज ही ज्वाइन किया लामा फेरा में फर्स्ट।
मैंने पहले होमकड़ा आप आ चुकी हो, पढ़ा कौन सी क्लास में आए थे मेरी? था, मैम होमकड़ा में आई थी मैं। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, मैंने मतलब याद आ रहा है किसी तो भी मोडेलिटी आपने सीखी है मुझसे, बट हाँ हाँ पहली क्लास लास्ट नहीं आ रहा। होमकड़ा में जी मैम, फिर ठीक से है ठीक है, कनेक्ट हुआ आपसे, अच्छा हाँ वहां से हुंकार लगता है। आते हैं। हाँ जी चलिए गुड, आपने ज्वाइन किया। जी मैम। और बताएं, और किसी को कुछ बात करनी है, पूछना है, या एनीथिंग, एनी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लामा फेरा और अदरवाइज, इट्स ओके। मैम लामा फेरा की ट्रेनिंग के बाद हम मतलब ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद हम टीच भी करवा सकते हैं ये बिल्कुल कर सकते, जी। जी मास्टर लेवल होने के बाद, सेकंड लेवल के बाद आप टीच भी कर सकते हैं, तो इसके सिंपल। दो दो लेवल्स होंगे, मास्टर लेवल एंड और जो अट्यूनमेंट। जी हाँ देखिए मैं बता देती हूँ, एक है हीलर लेवल जो फर्स्ट मंथ में आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आई विल मेक यू डू द प्रैक्टिसेस, ओके। उसके बाद सेकंड लेवल जो है वो मास्टर हीलर लेवल होता है, जिसको हम टीचर लेवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप टीच कर सकते हो, तो आप टीचर लेवल समझ लो उसको, नहीं तो अल्टीमेटली वैसे तो उसको मास्टर लेवल ही कहना चाहिए, एक हीलर लेवल और एक मास्टर लेवल। तो मैम इज इट ट्रू कि मतलब हमें ऐसे बताया गया था कि अट्यूनमेंट जो लामा फेरा की अट्यूनमेंट होती है वो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती पहले कहा था, कहा जाता था ये, बिकॉज है? क्या है, देखिए धीरे धीरे हर चीज डेवलप होती है, ठीक है। कोरोना से पहले ये ऑनलाइन क्लासेस का चलन ही नहीं था, लेकिन ऑनलाइन हुई, हर तरह की मोडेलिटी होने लग गई, डिस्टेंस हीलिंग भी शुरू हो गई, पहले नहीं देते थे। लेकिन क्या होता है ना, कोई भी चीज अगर आप शुरू करते हो या कुछ करते हो, तो ऑब्वियसली उसको अपग्रेड करके शुरू करते हो, एज इट इज नहीं पहुंचाते चीज को, तो उसमें और बहुत सारे मतलब कहना चाहिए कि बहुत सारे इन मेरे हिसाब से तो इन्वेंशन ही हुए हैं, कि बहुत सारी नई नई चीजें इसके अंदर और ऐड कर दी गई, जो ओरिजिनल है उससे कुछ चीजें ऐड करके फिर उसको ऑनलाइन प्रोड्यूस किया गया है। दूसरी चीज, लामा फेरा एक ऐसी मोडेलिटी है जिसमें अट्यूनमेंट्स कहते हैं आपको इंडिविजुअल लेने चाहिए, लेकिन जैसे रेकी जिन लोगों ने किया है उन्हें पता है कि मास अट्यूनमेंट्स होती है ना, लामा फेरा में मास अट्यूनमेंट्स नहीं होती है, आई तो डोंट गिव, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर मेनली हमको हर हर इंसान को का एक सोल पर्पस होता है, सबका सोल एक सा नहीं है, और यहाँ बेसिकली हमको उसके सोल पर्पस को टैग करना है, राइट। तो जब आप एक के सोल पर्पस को से बात कर रहे हो या उसके सोल से बात कर रहे हो, तो आप साइमल्टेनियसली दूसरे सोल का जो पर्पस है वो भी तो एंटेंगल होगा। सो मेरा और मेरे गुरु का यही मानना है कि ये अट्यूनमेंट्स इंडिविजुअल दी जाती हैं, भले ही डिस्टेंस हो, भले ही ऑनलाइन हो, बट दे आर ऑल इंडिविजुअल। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको टाइम देती हूँ, वो अपने उस टाइम पर लेटते हैं और फिर उनको अट्यूनमेंट दी जाती है, ठीक है। इसमें जी 3 अट्यूनमेंट्स आएंगी टोटल पे, पहले उसमें एक है और सेकेंड लेवल में 2 है। और बोलिए, बस किसी को कुछ क्वेश्चंस ही नहीं है, दैट्स ग्रेट। दो चीजें हैं इसमें भी, या तो मैं बहुत अच्छी टीचर हूं या ऐसी हूं कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, पूछ रहे नहीं है राइट है ना, यही दो चीजें हो सकती हैं और क्या। चलिए फिर दैट्स ग्रेट, क्योंकि आज मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगी, नहीं तो बहुत दिमाग में खिचड़ी बन जानी है, राइट। सो लेट्स सी, नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी, 5:30 अगेन, ओके। तो मैम अट्यूनमेंट के लिए अपॉइंटमेंट कुछ ऐसा भी था उसमें वीडियो में, दैट वी हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट और फिक्स एंड स्लॉट। वो जब आएगा तब मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। अभी तो स्टार्ट हुआ है कोर्स, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है इसमें, अट्यूनमेंट एंड में देते हैं, अभी क्या करना है लेके, है ना।
उसको समझना पड़ता है, फिर आपको सिद्धिकरण होगा, सिद्धिकरण करो आप, एंजॉय करो प्रोसेस को, जल्दबाजी कुछ नहीं, समझ जाओ अच्छे से, अंदर तक उतार लो उसको, और फिर जब आप हीलिंग्स करोगे ना, तब आपको एक एक चीज समझ आएगी। दैट्स वाई 2 दिन के कोर्स को हम 2 महीने में क्यों करवा रहे हैं? मैम, मैंने तो एक ही दिन में किया था, ये करवाया था, मतलब 1 डे कोर्स था, सो दैट्स आई व्हाई आई नो वांटेड टू गो इनटू डिटेल्स, सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम बेसिक एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर। इसीलिए तो ये 1 महीने का किया है। आप सोचो कंपैरेटिवली कितनी क्लासेस हो जाएंगी आपकी, 8 क्लासेस होंगी, 8 क्लासेस मतलब 16 आवर्स, ओके मिनिमम 16 आवर्स तो आप पढ़ ही रहे हो फर्स्ट लेवल, और अगर हम वैसे देखें तो इट इज लाइक 6-7 आवर्स में खत्म हो जाता है एट आवर्स यस ना? तो उसमें खाना पीना भी होता है, वो सब भी है, अगर उसको माइनस कर लो तो 6 आवर्स बेसिक कोर्स है फर्स्ट लेवल का, सब डिटेल्स बताने के बाद। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ऑरा चक्रा मेडिटेशन भी करवाऊंगी, तो दैट इज फ्रॉम माई साइड, आई हैव इंट्रोड्यूस मेनी थिंग्स इन दिस, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी चीज आपको अगर सीखनी है तो उससे पहले खुद का क्लियरेंस जरूरी है। ठीक है, अंदर तक कोई चीज जानी है तो उससे पहले वहां जगह तो बनाओ, सो दैट इज व्हाई ऑरा चक्रा क्लेंजिंग इज मस्ट, हर चीज से पहले मेडिटेशन होते हैं ये सब है, तो आई हैव इंट्रोड्यूस मेनी थिंग्स इन दिस। ठीक है ना, एनीथिंग एल्स? क्योंकि इससे ज्यादा कुछ आज नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, नो इश्यूज, टिल 7:30 वी हैव टाइम, उससे पहले छोड़नी है क्लास छोड़ सकते हैं, जैसे आप लोगों की इच्छा। जिन लोगों के वीडियोस बंद हैं अब तो ऑन कर लीजिए, सबका खाना बनाने का टाइम हो गया, अभी तो 6:30 ही हुए। तो मैम एग्जिट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने वही बोला ना, अगर नहीं है तो फिर वी कैन वाइंड अप द क्लास टुडे, इफ एवरीथिंग इज लाइक सबको क्लियर हो गया है, कुछ नहीं पूछना है, सो वी मीट ऑन नेक्स्ट ट्यूजडे, कमिंग ट्यूजडे सॉरी, 5:30 डॉट। ठीक है, चलिए, आत्मा नमस्कार।